कटनी के जहां प्राइवेट अस्पताल के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मरीज के परिजनों ने जबरदस्त हंगामा किया। शव नहीं ले जाने दे रहा अस्पताल, इलाज के 50,000 रुपए मांग रहा अस्पताल। परिजनों ने आरोप लगाया ज्यादा पैसा वसूल रहा अस्पताल। मरने के बाद भी मरीज को वेंटिलेटर पर रखने का आरोप लगाया है। और आप ये देखिए कि ऐसी खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं जब अस्पताल प्रबंधन ज्यादा पैसे निकालने के चक्कर में मरीज को जो जरूरत होती है सुविधाओं की उससे कहीं ज्यादा उन्हें दी जाती है ताकि उनसे ज्यादा पैसा निकाला जा सके। पहले भी ऐसी शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त किया है आलाकमान। और एक बार फिर से ऐसे कुछ मामला जहां प्राइवेट अस्पताल के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। शव ले जाने नहीं दे रहा अस्पताल, 50,000 बाकी है जो की मांग कर रहा है। और पीड़ितों का कहना है कि वेंटिलेटर पर जबरन उनके परिजन को रखा गया। तो वही कांकेर की बात करेंगे। कांकेर में हुई बीजेपी नेता असीम राय हत्याकांड में एक्शन जारी है और आज आरोपी पार्श्वनाथ के होटल पर बुलडोजर चला। इससे पहले कल आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। गौरतलब है कि पखांजूर नगर पंचायत में बीजेपी नेता असीम राय की 7 जनवरी को हत्या कर दी गई थी, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल का नाम सामने आया, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हत्या की वजह नगर पंचायत में आरोपी पार्षद के खिलाफ पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर पार्षद विकास पाल के अवैध निर्माण कर बनवाए गए होटल को लेकर असीम राय से विवाद हुआ था और इसी विवाद में हत्या की बात कही जा रही है। इस होटल को स्थानीय प्रशासन ने तोड़ दिया है। एक्शन की जो कार्रवाई की जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए।